उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं थाना बिलसी के ग्राम सुंदर नगर में योगी सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार की गई छापेमारी के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों का कहर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन गलत इलाज के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला विश्वनाथपुर पुत्र दुर्गपाल थाना बिलसी के ग्राम सुंदर नगर से आया है, जो कि अपने पिता को दवा दिलाने के लिए बेहटा जवी डॉक्टर सुरेंद्र के यहाँ गया था और डॉक्टर सुरेंद्र मरीज को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही सुरेंद्र स्टूल से नीचे गिर गया और उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने मरीज को बाहर जाने के लिए कहा, तत्पश्चात मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे दी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसी संदर्भ में एक सूचना सीएमओ बदायूं को भी दे दी गई है। अवगत कराते हुए कहा गया कि क्षेत्र में लगातार झोला छाप डॉक्टरों द्वारा की जा रही मनमानी को देखते हुए ठोस कार्रवाई करने की मांग मृतक के परिजन कर रहे हैं और इसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए बिलसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मंत्री जी नमो बुद्धाय। मेरा नाम हरिओम शाक्य है। मेरे ससुर की डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने इंजेक्शन लगाकर हत्या की थी, जिसके उपरांत मैं सीएमओ साहब के पास गया। ये प्रार्थना पत्र दिया मैंने सीएमओ साहब को, जिसमें सीएमओ साहब ने कहा था मुझसे और उस पर आदेश एक पारित किया कि प्रपत्र मांगा के डॉक्टर के प्रपत्र मांगे आदेश में और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई करने की। लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर फर्जी डॉक्टर के आज तक कोई प्रपत्र नहीं आए और ना ही कोई कार्रवाई हुई। शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसने डॉक्टर ने मेरे ससुर की हत्या की है। इसका डॉक्टर सुरेंद्र बेटा जबी पहाड़पुर इन गाँव में स्किन की दुकान है और इनका धंधा गोरख धंधा चल रहा है। ये फर्जी डॉक्टर है और मैंने एक सीडी तैयार कराई है। इस सीडी में डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं और आज तक शासन कोई भी शासन के कार्यक्रम कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सीएमओ साहब ने प्रपत्र डॉक्टर के फर्जी डॉक्टर के प्रपत्र मांगे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर फर्जी है और आज तक कोई प्रपत्र नहीं उपलब्ध हुए सीएमओ ऑफिस में। तो मैं चाहता हूं कि यह कार्रवाई की जाए, जिसमें पूरी तरीके से तैयार है डॉक्टर, जिसमें सीडी में डॉक्टरी का कार्य कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, इंजेक्शन को लगा रहा है और मैं दावे